हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि सब कोई अब आप लोग अच्छे ही होंगे। और शाम का समय है और 4 बजे हम लोग के गांव में 4 बजे से मतलब गाय का खाना वगैरह देना शुरू कर देते हैं। और 3 गाय हैं तो गाय को सबको खाना देना होता है और तीनों का मिल्किंग करना होता है, पानी वगैरह भी पिलाना होता है। तो 1 से 1.5 घंटा लग ही जाते हैं काम करने में। और साफ़ सफाई भी होती है, लेकिन साफ़ सफाई तो दोपहर में ही, सुबह में जब गाय को अंदर कर दिया जाता है उसके बाद ही इधर साफ़ सफाई कर दिया जाता है। तो बस इस गाय को हमने खाना दे दिया है और इसका मिल्किंग करेंगे। और आप लोग को हमारी मिल्किंग वीडियो बहुत ही पसंद आती है, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। तो सबसे पहले गाय को थन को हम लोग यहाँ पर मतलब हम यहाँ पर साफ़ करेंगे, क्योंकि गोबर वगैरह पर बैठ जाती है तो गंदी हो जाती है इन लोग का थन। तो अच्छे से पानी से साफ़ करके, अगर साफ़ नहीं करेंगे तो फिर दूध में भी मतलब कचरा गिरने का डर होता है, इसलिए अच्छे से थन को साफ़ करके उसके बाद इसमें और जिस गाय का बच्चा नहीं होता है उस गाय को हम सुई, कितने लोग हैं कि सुई दे देते हैं, हम लोग बिना सुई से ही गाय मतलब गाय पहना जाती है। तो ये यहाँ पे अब अच्छे से धोने के बाद यहाँ पे तेल लगा रही हूँ, सरसों का तेल है ये। और तेल लगाने से अच्छे से खींचने में बनता है, इन लोग का थन भी दर्द नहीं करता है। अगर बिना तेल के आप खींचोगे तो गाय को भी दर्द होगा और खींचने में भी नहीं बनेगा। तो चलिए आप मिल्किंग का वीडियो पूरा देख लीजिए लास्ट तक, उसके बाद लास्ट में हम आपसे कुछ बातें करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी सवाल अगर मन में हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। और कितने लोग कहते हैं कि आप जो हमने पिछले वाले वीडियो डाला हुआ था उसमें सब बोल रहे थे कि फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, तो हमें लगा कि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो हमें अब इसलिए पार्ट बाय पार्ट करके सारे वीडियो को डालेंगे। और वीडियो लंबी भी नहीं होगी और आप लोग बोर भी नहीं होंगे, इसीलिए हर एक गाय की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। और आप लोग कहते हैं पैर दोनों पैर के बीच बाल्टी रख के मिल्किंग करने के लिए, तो वो हमें आदत नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो वो हम करने की कोशिश करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि देखिए हम लोग को करने में नहीं बनती है। और हमारे सब गाय सीधी है तो हम लोग नीचे बाल्टी रख के दूध निकाल लेते हैं। तो और आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और नए हैं तो रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब का वो भी दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर आगे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा, जो घंटी का चिन्ह बना रहता है उस पर ज़रूर से दबाइएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगी और आपको आसानी होगी देखने में। और आपको जिस टाइप की वीडियो मतलब मिल्किंग वगैरह या घर के काम वगैरह आप में हमसे जितनी भी जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद हम करते हैं, और आप अगर बड़े हैं तो आपको हम प्रणाम करते हैं। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको एकदम दिल से हम धन्यवाद देते हैं। अगर कुछ लोग को गाय के बारे में जानकारी नहीं है तो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और हमें भी पहले कुछ नहीं आता था गाय के बारे में, लेकिन रखते रखते जानकारी हो गई है और मिल्किंग भी करने आ गया है। तो मिल्किंग भी जब आपको नहीं आता है जो काम करने वो भारी लगता है, लेकिन जब आप कुछ सीख जाते हो तो वो काम आसान हो जाता है। तो सेम उसी तरह मेरे साथ भी है। तो वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ और अच्छे से रेसिपी के साथ, क्योंकि हम खाना का भी शेयर करते हैं। तो आप लोग जो वीडियो कहिएगा वो वीडियो हम बनाकर शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा
इससे हमारे दिल को और ज़्यादा खुशी होगी।